नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DBL कंपनी ने ट्रांसपोर्टर के साथ की बैठक, जांच कर बकाया भुगतान का दिया आश्वासन। पाकुड़ के अमड़ापारा में कोयला खनन मामले को लेकर पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DBL कंपनी ने संयुक्त रूप से ट्रांसपोर्टर के साथ की बैठक पाकुड़ नगर के सक्षम पैलेस में किया गया। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने बकाया राशि का भुगतान करने को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीधा भुगतान करने की बात पदाधिकारियों से किया। वही कंपनी के पदाधिकारी अनिल विज ने ट्रांसपोर्टरों को समझाने का प्रयास किया करते हुए कहा कि टीम गठन कर जांच किया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टरों का बकाया राशि भुगतान होगा। लेकिन ट्रांसपोर्टर की ओर से सिविल वर्क का बकाया बिल का भुगतान के बाद ही खनन कार्य माइंस में करने की बात पर अड़े थे। बैठक में पंजाब पावर के अभियंता समीर घोष के कहा कि जल्द भुगतान पर पहल किया जाएगा, काम शुरू करने दी जाए। मौके पर DBL के अभियंता संजय गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर सबेसाची मिश्रा, लाइजनिंग अफसर गौतम सामंतो मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में ट्रांसपोर्टर दर्जनों ट्रांसपोर्टर मौजूद थे। पाकुड़ मुख्यालय से अंकुश ने देनी थी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ तो हमने उनकी जेन्युइन क्लेम्स है वो देखेंगे, जांच करेंगे और उनको भी बोला है चार लोगों की कमेटी बनाइए जो जिनको हम बता सकें कि ये झगड़े वाला है या ठीक है, जो जेन्युइन बनेगा उसकी पेमेंट पंजाब सरकार से करवाएंगे। नाम प्लीज सर। अनिल कुमार, चीफ इंजीनियर जी। थैंक यू। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।